क्या बात है लीजी? हाँ, मैं थक गई हूँ। मुझसे अफनान की केयर नहीं हो रही है। जाहिर है तुम्हारी ऐसी कंडीशन है, बल्कि तुम्हें तो खुद केयर की जरूरत है। मैं समझ सकती हूँ। मैंने अफनान से कहा भी था मैं उसके लिए मेल नर्स रख देती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। कह रहा है बिल्कुल ठीक हो गया हूँ मैं। तुम ही तो कहती हो हर चीज में अल्लाह की मसलियत होती है। हाँ, तो फिर मेरे यहाँ आने में भी अल्लाह की कोई मसलियत होगी ना? जो खुद से दूर ना करे अफनान, मुझे अपने पास रहने दे प्लीज अफनान। अच्छा तुम रुक। अफनान ध्यान से। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अफनान ध्यान से। अब क्या तुम रो क्यों रही हो? मैं कह रहा हूँ ना सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो मामूली सी चोट है, बस डॉक्टर ने ऐसे ही पहना दिया। ये कौन है? ये मेरे चाचा की लड़की है, गांव से मेहमान आई है। तो तुम इसको यहाँ ले आई? बीबी जी, बड़े साहब जी के बीमार होने से घर में काम बढ़ गया है, तो अब्दा भी छुट्टियों पर चली गई है। बस आज के दिन के लिए लाई हूँ, आपको परेशान नहीं करेगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, किचन से इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन इस तरह अपना मुंह क्यों छुपाई हुई है? वो मेरे चाचा बहुत सख्त तबीयत के हैं ना, और वो इसका मंगेतर भी पर्दे का बहुत पाबंद है। हाँ तो यहाँ कौन से मर्द हजरात हैं जो इस तरह मुंह छुपाई हुई है? इसे कहो ये हटाए। इस तबके की मेंटालिटी को मैं बड़ी अच्छी तरह से समझती हूँ। मजलूमियत इनका हथियार होती है और चापलूसी इनका जाल। तुम जो ये जूतों समेत मेरी आंखों में घुसने की कोशिश कर रही हो ना, मत करना। ये तुम्हारी ये मोर्चा बंदी मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ में आ रही है। मम्मी, ये जो कुछ भी हुआ है ये किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत नहीं है, ये तो कुदरत की प्लानिंग है। अपनी उजलत और हिमाकत को कुदरत का नाम मत दो। उजरे गुना बदतर अज गुना, ये मिसाल तो सुनी होगी तुमने। माफ करना भाई, तुम ठीक तो हो? नासिर, माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। मेरी पेट में पंजा खो पाया तुमने, तो तुम इन्हीं बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक था ना तुम्हें, इसी वजह से मेरा खानदान का तमाशा बनाया था तुमने। फैज के दिल, उसकी जिंदगी और इस घर से तुम्हें जाना होगा। ये चैलेंज है मेरा तुम्हें। मैं फैज की जिंदगी से जाने के लिए नहीं आई। चैलेंज मत कीजिएगा, हार जाएंगे आप। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। पता नहीं कहां कहां अपनी तो परी कहानी सुनाकर मुझे बदनाम करी होगी। ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जिस वक्त उसे हाथ पकड़ के घर से निकाला था। पता नहीं वो बच्ची बेबसी में कहां होगी, किस हाल में होगी। बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं हो रही आपको रूस? कितना बड़ा शहर है, कितने सारे घर हैं यहाँ। इस घर में सहन है, ऐसी एक सहन मेरे पापा का भी होगा। सलमान परेशान हो रहा था, फोन आया था उसका। परेशान हो रहा था? कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? अब्बा, आप सलमान को अब कोई कॉल नहीं करेंगे? अभी अभी उरूज आ गई है यहाँ। आ रहा हूँ। ठीक है। किसका फोन था? क्या था? किसका फोन था? सलमान? तेरे हवाले दिल कर दिया।
इश्क़ को तूने जिद कर दिया है। मौत के बाद तो सभी शोक मनाते हैं, यहाँ तो मौत से पहले ही उसका ऐलान हो गया। मैं इस घर में बहुत खुश हूँ चिनार खान और इन लोगों के साथ। बस मैं इस घर की खुशी मांगती हूँ, मैं इस घर का कभी बुरा नहीं चाहूंगी। जब तुम हमारे सामने आता है ना, हमारा दिल को ठंडक पहुंचता है। ये जमदा अच्छा बच्चा है। ये नफरत का रास्ता भी ना बिल्कुल मोहब्बत की तरह होता है, और मैं इस रास्ते पे निकल आई हूँ। अभी तो सिर्फ एक लाश उठी है, तो राब खान के घर में गिनती करने वाला कोई नहीं होगा। तुमको आता है पिस्तौल चला? नहीं, हम सिखाता है तुम्हें। हाथ रखो, चला। तुम्हारा तो हाथ ही नहीं कहा। जो हुआ सो हुआ, बात को बार बार दोहराने का क्या फायदा है भैया? और हम किस मुंह से मुराद का गिरेबान पकड़ेंगे, जब हमारी बहन हिसाब बराबर करके आई है अपने मियां को थप्पड़ लगा के। अरे हम होते उसकी जगह तो एक के जवाब में दो थप्पड़ जड़ देते उस नामाकूल इंसान को। मन्नत अपने शौहर को एक थप्पड़ मारे या दो, नुकसान बहरहाल मन्नत को ही उठाना होगा। ये कोई फखर की बात नहीं है। नफरत को मोहब्बत में बदलने में ना कोई टाइम नहीं लगता। इनकी तो फिर लव मैरिज है, जरा पहल की ना लैला मजनू की कहानी शुरू हो जाएगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, मन्नत को महज में एक बहाना चाहिए था। जब रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं ना रहती तो इंसान ऐसे हीले बहाने करता, बात का पतंगड़ बना। उसे मेरी नाराजगी की जरा सी भी परवाह होती ना तो वो रात में पहल कर लेती यार, एटलीस्ट एक सॉरी का मैसेज ही कर देती। कुरियर आया आपके लिए। अम्मी, फुला का नोटिस है।